हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है डेयर डेविल। कहानी के शुरू में हमें डेयर डेविल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और तभी वो एक चर्च पे आता है और फिर चर्च का फादर डेयर डेविल को मदद करता है। डेयर डेविल का असल नाम मैट मडोक है और वो एक पेशे से वकील है। उसके बाद हमें कहानी पास्ट में दिखाई जाती है मैट मडोक के बचपन में, जहाँ हम देखते हैं मैट को कुछ लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो लोग मैट के साथ मारपीट भी करते हैं पर मैट इन लोगों से बचकर अपने घर भाग जाता है और वहाँ हम मैट के फादर को देखते हैं। मैट का डैड एक बॉक्सर है और उन्होंने अपने लाइफ पे बहुत सारे मैचेस जीते हैं। वो एक चैंपियन थे पर अभी वो बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं। तभी मैट का डैड मैट के चेहरे में कटे निशान को देख लेता है। फिर वो मैट से कहता है, मैंने तुम्हें लड़ाई करने के लिए मना किया था। मैट कहता है, मैं बस उस रास्ते से गुजर रहा था तभी उन लड़कों ने मेरे साथ मारपीट किया जिससे मुझे ये चोट लग गई। और उन लोगों ने कहा, आप फैलन के लिए काम करते हैं। दरअसल फैलन वो इंसान होता है जो सारे इलीगल काम करता है। फिर मैट के डैड मैट को अपने पास बुलाते हैं और फिर मैट से कहते, तुम्हें क्या लगता है मैं ओवर टाइम क्यों कर रहा हूँ? मैं अगर फैलन के पास काम करता तो मुझे ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान दो, तुम सिर्फ एक डॉक्टर या लॉयर बनोगे। दूसरे दिन मार्क अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और फिर मार्क वहाँ के एक एम्प्लॉय से अपने डैड के बारे में पूछने लगता है। तभी वो एम्प्लॉय कहता है, तुम्हारे डैड यहाँ अब काम नहीं करते। मैट समझ जाता है कि उसका डैड अभी भी फैलन के लिए ही काम करता है और उन्होंने मैट से झूठ कहा था। और इस बात से मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैट के हाथ पे मैट का मार्कशीट होता है। मैट अपने मार्कशीट को वहीं फेंक देता है। फिर वो वहां से चला जाता है और कुछ दूर जाकर एक गली में देखता है मैट का डैड किसी इंसान को धमका रहा होता है और ये चीज देखकर मैट को बहुत बुरा लगता है। तभी मैट अपने डैड को देखकर वहां से भाग जाता है और इस जगह में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। फिर मार्क दौड़ते दौड़ते एक पैलेट ट्रक के सामने आ जाता है। तभी उस पैलेट ट्रक के ड्राइवर को ब्रेक मारना पड़ता है पर इससे ये पैलेट ट्रक अनबैलेंस हो जाता है और उस पैलेट ट्रक के सामने लगी हुई रॉड्स सामने रखे एक डेंजरस केमिकल के ड्रम को हिट करता है जिससे वो सारा केमिकल मैट की आंखों में गिरता है जिससे मैट की आंखों की रोशनी चली जाती है। और इस बात से मैट के डैड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर मैट का डैड मैट से माफी मांगता है और फिर मैट भी अपने डैड को माफ कर देता है। जैसे इस एक्सीडेंट ने मैट के साथ बहुत बुरा किया है मगर इससे मैट को कुछ शक्तियाँ भी मिली है। मैट के सारे सेंसर्स एक्टिवेट हो चुके हैं जिसे वो अब बिना आंखों के चीजों को देख और समझ सकता है। उसके बाद मैट का डैड भी ये फैसला करता है वो फिर से बॉक्सिंग शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हमें मैट को दिखाया जाता है उस एक्सीडेंट में मैट की आंखें चली गई है जिससे मैट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मगर उससे जो मैट को शक्तियाँ मिली है मैट उन शक्तियों से खुद को और बेहतर बनाने में लग जाता है। मैट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कलाबाजियां खाता है और वो बहुत सारा प्रैक्टिस करता है जिससे वो एक आम इंसान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर एक दिन मैट वही गली से गुजर रहा होता है तभी वो लड़के मैट को परेशान करने के लिए आ जाते हैं पर इस बार मैट उन लड़कों से अकेले ही भिड़ जाता है और उन लड़कों का अच्छी तरह से पिटाई करता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हमें मैट के डैड को दिखाया जाता है और मैट के डैड का आज बॉक्सिंग मैच है। तभी मैट के डैड के पास फैलन आता है और फैलन मैट के डैड से कहता है, तुम आज का ये मैच हार जाओ जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम जरा अपनी तरफ देखो, तुम भी अब 42 के हो चुके हो, तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। उसके बाद मैट के डैड बॉक्सिंग रिंग में चले जाते हैं और यहाँ बॉक्सिंग शुरू हो जाता है और मैट के डैड इस मैच को जानबूझकर हारने लगते हैं और तभी वो नॉकआउट होकर बॉक्सिंग रिंग में नीचे गिर जाते हैं। तभी मैट अपने डैड को चीयर अप करता है, वो कहता है, आप ये मैच हार नहीं सकते हैं, उठिए और जल्दी से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दीजिए। तभी मैट के डैड फिर से उठ जाते हैं और एक ही गुस्से में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देते हैं और वो ये मैच जीत जाते हैं पर इससे फैलन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हमें मैट को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है उस फाइट क्लब के बाहर में। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कोई उसके डैड को मार रहा है। उसके बाद मैट दौड़ के अपने डैड की तरफ बढ़ता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ गुंडे मैट के डैड को मार रहा है। तभी वहाँ एक कार आता है और उस कार से एक विशालकाय आदमी नीचे उतरता है और उस आदमी का सिर्फ शैडो दिखाया जाता है। उसके बाद वो आदमी मैट के डैड को मार देता है और उसके सामने एक गुलाब का फूल रख देता है और फिर वो कार वहाँ से निकल जाता है। तभी मैट अपने डैड के पास पहुँचता है। मैट अपने आँखों से अपने डैड को नहीं देख पाता पर उसे इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर मैट अपने डैड से कहता है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा बेसहारों की मदद करूंगा और उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते मैट मडोक का बड़ा हो गया है और वो एक वकील बन गया है। तभी हम मैट को कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो एक केस लड़ रहा होता है और उस केस का विक्टिम एक क्यूनर
क्रिमिनल होता है और उस क्रिमिनल पर यह इल्जाम था कि वो एक बारटेंडर के साथ बदतमीजी किया है, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया है। पर वो क्रिमिनल पैसे से बहुत ज्यादा अमीर होता है। वो झूठे गवाही कोर्ट में लोगों से दिलवा कर वो बच जाता है और सारा इल्जाम लड़की के ऊपर लगा देता है। उसके बाद कोर्ट उसे रिहा कर देता है, पर मैट मडोक उससे बदला लेने का सोचता है। इसीलिए जब रात होता है तब मैट मडोक डेयर डेविल बन के उस क्रिमिनल के ठिकाने में पहुंच जाता है और उस क्रिमिनल के जितने भी साथी थे डेयर डेविल सारे लोगों को मार देता है। पर यहाँ से वो क्रिमिनल भाग जाता है। वो जाकर एक स्टेशन में छिप जाता है और उसके पीछे डेयर डेविल भी पहुंच जाता है और फिर डेयर डेविल उस क्रिमिनल को ढूंढ लेता है। वो क्रिमिनल एक पिलर के पीछे छिपा हुआ होता है और फिर डेयर डेविल अपने हथियार से उस क्रिमिनल को मारने वाला होता है। तभी वहाँ से एक ट्रेन क्रॉस करता है जिससे डेयर डेविल का सेंसर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और तभी वो क्रिमिनल डेयर डेविल के ऊपर बंदूक तान देता है और फिर वो क्रिमिनल डेयर डेविल से कहता है अब तुम क्या करोगे। तभी वो ट्रेन पूरी तरह से वहाँ से क्रॉस कर जाता है। उसके बाद डेयर डेविल उस क्रिमिनल को हिट करता है जिससे वो क्रिमिनल रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा ट्रेन आता है और फिर वो क्रिमिनल उस ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर इस स्टेशन में आते हैं, फिर वो लोग उस क्रिमिनल के लाश को उठा के लेके जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है किसने किया होगा ये काम और फिर वो रिपोर्टर कहता है ये डेयर डेविल का काम है और फिर वो रिपोर्टर अपने सिगरेट को उस प्लेटफॉर्म में फेंकता है। तभी वहाँ आग लग जाती है और वहाँ बड़े अक्षरों में डी और डी लिखा हुआ होता है और ये साइन डेयर डेविल का होता है। फिर यहाँ सीन कट होता है। हम डेयर डेविल को उसके दोस्त के साथ देखते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ डेयर डेविल का दोस्त उसे न्यूज सुना रहा होता है। उस क्रिमिनल के मौत का जिम्मेदार कोई डेयर डेविल नाम का नकाबपोश है। मैं बहुत दिन से इसके बारे में सुन रहा हूँ और हमें कुछ करना चाहिए। और तभी यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम इलेक्ट्रा है। उसके बाद मैट बहाने से उस लड़की के पास जाता है उसका नाम पूछने, पर वो लड़की मैट को अपना नाम नहीं बताती और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। पर मैट उस लड़की के पीछे पीछे जाता है। इलेक्ट्रा समझ जाती है कि ये उसका पीछा कर रहा है। फिर इलेक्ट्रा मैट से पूछती है तू मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा पीछा करे। फिर इलेक्ट्रा वहाँ से जाने लगती है। तभी मैट उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर यहाँ इलेक्ट्रा और मैट के बीच एक फ्रेंडली फाइट होता है। इलेक्ट्रा मैट का हुनर देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर लास्ट में इलेक्ट्रा अपना नाम मैट को बता देती है। वो कहती है मेरा नाम इलेक्ट्रा नाचियोस है। तभी वहाँ एक कार आता है इलेक्ट्रा को लेने के लिए। तभी इलेक्ट्रा मैट से कहती है मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे गार्ड्स मुझे लेने आए हैं। मैट इलेक्ट्रा से कहता है तुम्हें गार्ड की क्या जरूरत है। फिर इलेक्ट्रा मैट से कहता है मेरे डैड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इसीलिए उन्होंने मेरे साथ गार्ड भेजे हैं। तभी मैट कहता है क्योंकि तुम निकोलस नाचियोस के बेटी हो इसीलिए। उसके बाद इलेक्ट्रा वहाँ से जाने लगती है। तभी मैट उससे पूछता है हम फिर किस तरह मिलेंगे। इलेक्ट्रा मैट से कहती है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। हमें फिक्स कॉप में दिखाया जाता है और वहाँ हम देखते हैं विलियम फिक्स को जो कि एक माफिया है और वो पूरे शहर को कंट्रोल करता है। और विलियम फिक्स का दूसरा नाम है किंग पिन और लोग यह नहीं जानते कि विलियम फिक्स ही किंग पिन है और ये किंग पिन फैलन का बॉस है और इसी ने मैट के डैड को वो मैच हारने के लिए कहा था। जब मैट के डैड ने इसकी बात नहीं मानी तो फिर इसने मैट के डैड की हत्या करवा दी। किंग पिन अपने ऑफिस में एक मीटिंग पे होता है और यहाँ हम निकोलस नाचियोस को भी देखते हैं। निकोलस नाचियोस किंग पिन से कहता है मुझे अपना सारा पार्टनरशिप तुम्हारे साथ खत्म करना है क्योंकि पुलिस अब किंग पिन के बारे में बहुत ज्यादा पूछताछ कर रहा है और आज से मैं तुम्हारे साथ सारे बिजनेस मैं खत्म कर रहा हूँ। और निकोलस किंग पिन से कहता है तो तुम क्या सोच रहे हो। किंग पिन निकोलस से पूछता है तुम्हारी बेटी कैसी है। उसके बाद किंग पिन यहाँ से निकल जाता है और फिर वो अपने आदमियों से कहता है बुलसाई को खबर दो और ये बुलसाई एक हिटमैन है जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। उसके बाद इलेक्ट्रा मैट से मिलता है और फिर मैट इलेक्ट्रा को अपनी फेवरेट जगह पे ले जाता है। उसके बाद ये लोग दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। दरअसल ये लोग एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। हम डेयर डेविल को एक पार्टी में देखते हैं और ये पार्टी इलेक्ट्रा का होता है और यहाँ इस शहर के सारे बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं और यहाँ विलियम फिक्स भी होता है। तभी मैट का दोस्त नेल्सन विलियम फिक्स से मिलने के लिए चला जाता है। मैट और नेल्सन दोनों एक साथ ही वकालत करते हैं। नेल्सन विलियम फिक्स को अपना नाम बताता है। तभी विलियम फिक्स का पीए उसे रोक देता है। वो कहता है तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। तभी विलियम फिक्स कहता है मैं इन्हें जानता हूँ, ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं और मैं नए लोगों को सपोर्ट करता हूँ। तभी मैट कहता है हम केस सिर्फ बेगुनाहों के लिए लड़ते हैं। उसके बाद विलियम फिक्स वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैट और इलेक्ट्रा पार्टी में बिजी हो जाते हैं। तभी इलेक्ट्रा के डैड के पास विलियम फिक्स आता है और कहता है
मैंने तुम्हारे बेटी को इससे पहले ज्यादा खुश नहीं देखा है। और फिर वो एक गुलाब का फूल निकोलस नार्चियस के पॉकेट में रख देता है और कहता है अलविदा मेरे दोस्त, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ निकोलस नार्चियस समझ जाता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। तभी निकोलस नार्चियस अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है और उनके साथ उनका बेटी इलेक्ट्रा भी जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रा अपना डैड से पूछता है यहाँ क्या हो रहा आप मुझे बताइए। इलेक्ट्रा का डैड उससे कहता है मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, पर आज का रात न्यूयॉर्क के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तभी वो ऊपर बिल्डिंगों में देखता है और वहाँ वो देखता है डियर डेविल को। तभी उनके गाड़ी के सामने बुलसाई आ जाता है। तभी बुलसाई अपने ब्लेड्स को फेंक कर निकोलस नार्चियस के ड्राइवर को मार देता है और फिर इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर यहाँ डियर डेविल आ जाता है। तभी बुलसाई अपने ब्लेड्स को डियर डेविल को और फेंकता है, पर डियर डेविल इन ब्लेड से बच जाता है। फिर बुलसाई कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे ब्लेड से कैसे बच गया। फिर बुलसाई अपने बाइक से डियर डेविल की तरफ बढ़ता है और डियर डेविल भी उसके तरफ भागता है। और फिर डियर डेविल उसे किक मारकर बाइक से नीचे गिरा देता है। फिर डेयरडेविल चेक करता उसके पास उसका वेपन नहीं होता, बुलसाई ने उस वेपन को चोरी कर लिया था और वो वेपन एक स्टिक था जो कि बहुत ज्यादा शार्प था। फिर बुलसाई उस वेपन को इलेक्ट्रा के डैड के और फेंकता है। डेयरडेविल उस स्टिक को रोकने के लिए जंप करता है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे डेयरडेविल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो स्टिक इलेक्ट्रा के डैड के सीने में जाके लगता है और यहाँ वो मर जाता है। तभी बुलसाई कहता है मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। उसके बाद बुलसाई यहाँ निकल जाता है, मगर इलेक्ट्रा को यह लगता है कि डियर डेविल ने उसके डैड को मारा है। तभी इलेक्ट्रा वहाँ पड़ी बंदूक को उठाकर डियर डेविल को शूट करने लगता है और डियर डेविल भी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हमें निकोलस नार्चियस के फ्यूनरल में दिखाया जाता है और यहाँ मैट मडोक भी आता है। मैट इलेक्ट्रा से कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है। फिर इलेक्ट्रा मैट से कहता है मैं बदला जरूर लूंगी, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर मैट भी वहाँ से निकलने वाला ही होता है कि तभी मैट के पास एक रिपोर्टर आता है और फिर वो रिपोर्टर मैट से कहता है तुम जो अभी केस लड़ रहे हो और तुम्हारा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है, दरअसल मुझे किंग पिंग के बारे में कुछ सबूत मिले हैं, उसका कोई बंदा है, उससे तुम्हारे क्लाइंट को मदद हो सकता है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम मैट को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है और जिस आदमी के बारे में रिपोर्टर ने मैट को बताया था, और ये आदमी वही होता है जो मैट के एक केस में झूठी गवाही दिया था। फिर मैट उस आदमी से पूछता है तुमने झूठी गवाही क्यों दी। वो आदमी कहता है किंग पिंग की वजह से, क्योंकि वो अपने दुश्मन के पूरे फैमिली को ही मार देता है। तभी मैट समझ जाता है कि वो लोग अब इलेक्ट्रा को भी मारने वाले हैं। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि एक लैब में जाता है निकोलस नार्चियस के मर्डर वेपन को देखने के लिए, और वो स्टिक डेयरडेविल का था। और फिर वो लैब का डॉक्टर उस रिपोर्टर को वो स्टिक ओपन करके दिखाता है। तभी वो रिपोर्टर समझ जाता है कि असली डेयरडेविल कौन है। दरअसल ये स्टिक ये रिपोर्टर मैट मडोक के हाथ में भी देखा था। उसके बाद हम डेयरडेविल को बिल्डिंगों के ऊपर में देखते हैं, तभी उसके ऊपर इलेक्ट्रा हमला कर देती है और डेयरडेविल को बहुत ज्यादा घायल कर देती है। फिर इलेक्ट्रा कहती है मैं उस चेहरे को देखना चाहती हूँ जिसने मेरे डैड को मारा है। फिर इलेक्ट्रा डेयरडेविल का मास्क को ओपन कर देता है और फिर वो मैट मडोक का चेहरा देखकर शॉक हो जाता है। मैट इलेक्ट्रा से कहता है मैं स्लिप तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, और तभी वहाँ बुलसाई आ जाता है। मैट इलेक्ट्रा को बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ, पर इलेक्ट्रा मैट की बात नहीं मानता और वो बुलसाई से लड़ने चली जाती है। और यहाँ हम इलेक्ट्रा और बुलसाई के बीच एक अच्छी फाइट देखते हैं, मगर यहाँ बुलसाई इलेक्ट्रा को मार देता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर बुलसाई वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मैट भी बहुत ज्यादा घायल होता है। मैट एक चर्च में पहुँचता है और तभी वहाँ बुलसाई भी आ जाता है, और यहाँ बुलसाई और मैट के बीच एक तगड़ी फाइट होती है जहाँ बुलसाई ये समझ जाता है कि मैट को बहुत ज्यादा साउंड से लड़ने में परेशानी हो रही है। तभी बुलसाई एक डंडे से एक पाइप के ऊपर मारता है जिससे वहाँ बहुत ज्यादा ध्वनि तरंगें पैदा होती है जिससे डेयरडेविल को बहुत ज्यादा परेशानी होता है और वो काबू हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बुलसाई डेयरडेविल के ऊपर हमला कर देता है और उसे धराशायी कर देता है। और फिर बुलसाई कहता है विलियम फिक्स सही कह रहा था, तुम इतने आसानी से मरने वाले नहीं हो। डेयरडेविल कहता है विलियम ही किंगपिन है। तभी बुलसाई कहता है हाँ, और वो जब भी अपने दुश्मन को मारता है तो वो उसके सामने एक लाल गुलाब रख देता है। और यहाँ डेयरडेविल को ये बात याद आता है जब उसके डैड को किसी ने मारा था तो उसके डैड के बॉडी के पास भी एक लाल गुलाब था। वो समझ जाता है कि किंगपिन ने ही उसके डैड को मारा है। तभी सामने के बिल्डिंग से एक पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर स्नाइप करता है। तभी डेयरडेविल बुलसाई के हाथ को अपनी तरफ खींच लेता है
है जिससे वो गोली सीधा बुलसाई के हाथ में लगता है। उसके बाद डेड डेविल बुलसाई को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर यहाँ बुलसाई नहीं मरता। उसके बाद डेड डेविल सीधा किंग पिन के पास पहुँचता है और वहाँ किंग पिन के साथ डेड डेविल का बहुत तगड़ी फाइट होता है। यहाँ किंग पिन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो पहले डेड डेविल को अच्छी तरह से मात दे देता है। वो डेड डेविल को नीचे गिरा देता है। उसके बाद किंग पिन कहता है, सब लोग कहते हैं तुम बेखौफ हो तो तुम अपना चेहरा क्यों छुपाते हो। फिर किंग पिन डेड डेविल का मास्क उतार देता है और फिर वो मैट मडोक का चेहरा देख के यकीन नहीं करता। किंग पिन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, शहर का एक अंधा वकील। तभी डेड डेविल किंग पिन से कहता है, तुम मेरे सारे चाहने वाले को मार चुके हो। किंग पिन कहता है, ये तो एक बिजनेस है बस और कुछ नहीं, और तुम काफी समय से टांग अड़ा रहे थे। और वो रूम एक अलग तरह का रूम था जहाँ डेड डेविल का सेंसर्स काम नहीं कर रहा था। तभी डेड डेविल पास के एक पाइप को तोड़ देता है और उस पाइप के टूटने से वहाँ बहुत ज्यादा पानी रिलीज होता है, जिससे डेड डेविल सही तरीके से किंग पिन को देख सकता है। उसके बाद डेड डेविल किंग पिन को अच्छी तरह से मात दे देता है। उसके बाद डेड डेविल किंग पिन के एक स्टिक को उठाता है किंग पिन को मारने के लिए, पर वो किंग पिन को नहीं मारता। तभी किंग पिन डेड डेविल से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डेड डेविल किंग पिन से कहता है, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी सायरन का आवाज आता है। किंग पिन कहता है, देखो वो लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। तभी डेड डेविल कहता है, वो लोग मुझे नहीं, वो लोग तुम्हें लेने आ रहा है, क्योंकि दुनिया अब जान गई है कि तुम ही किंग पिन हो। फिर किंग पिन कहता है, मैं सबको बोल दूंगा तुम कौन हो। फिर डेड डेविल किंग पिन से कहता है, जाओ तुम सभी लोगों को बता दो कि तुम एक अंधे से मार खाए हो। किंग पिन कहता है, मैं बहुत जल्दी ही छूट जाऊंगा। फिर डेड डेविल कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डेड डेविल यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं विलियम फिश को जेल में डाल दिया जाता है और दूसरे तरफ हम बुलसाई को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा होता है। दूसरे तरफ हमें डेड डेविल को दिखाया जाता है जो कि आज भी रातों को क्रिमिनल को सबक सिखाने के लिए शहर में घूमता रहता है और अंधेरों में रह के अंधेरा दूर करता है। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।